चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर हमारा बेटा था थर्ड। चैप्टर का नाम क्या था बेटा आपके का? फूड हेल्थ एंड हाइजीन। इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले बेटा हमारे स्टेट क्विक रिकॉल है बेटा, हमारी क्विक रिकॉल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट बेटा ट्रू है या फॉल्स है। चलिए फर्स्ट वन क्या बेटा, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। क्या रेगुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है बेटा? तो यस इट इज ट्रू। तो पहले वाला क्या हो जाएगा बेटा हमारा ट्रू है, जो पहली स्टेटमेंट वो क्या है ट्रू है। दोबारा ध्यान दे, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। यस, जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। तो ये क्या है ट्रू है बेटा। सेकंड पॉइंट, कॉम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन। क्या कॉम्युनिकेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं बेटा किससे, अगर हम प्रॉपर हाइजीन करते हैं? यस वी कैन प्रिवेंट, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हमारा ट्रू है, यानी अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर हाइजीन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट वन पॉइंट बेटा थर्ड, आवर बॉडी गेट्स टाइम टू ग्रो व्हेन वी स्लीप। यानी आवर बॉडी, हमारी बॉडी को टाइम मिलता है टू ग्रो व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। यानी आवर बॉडी गेट्स द टाइम टू ग्रो व्हेन वी स्लीप। ये भी क्या बेटा हमारा राइट है कि जो हम रेस्ट करते हैं प्रॉपर एट दैट टाइम हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, ग्रो करती है। क्लियर ना? तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू। लास्ट पॉइंट बेटा हमारा फोर्थ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स। यानी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और जो फ्रूट हैं, क्या वो विटामिन के सोर्स हैं? यस बेटा, वो भी क्या है विटामिन के सोर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन। यस दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन, ये विटामिन के सोर्स है बेटा। तो ये बात भी क्या भाई हमारी ट्रू है। चलिए उसके बाद बेटा हमारे दिए गए हैं रिकॉल विद बिंगो, ये आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के अंदर। चलिए हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा हम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। डिफाइन द टर्म हेल्थ एंड हाउ कैन ए पर्सन रिमेन हेल्दी। मैंने आपको बताया था हेल्थ क्या होती है और हाउ कैन ए पर्सन रिमेन हेल्दी, और एक पर्सन हेल्दी कैसे रह सकता है। हमने चैप्टर के अंदर बेटा ये पढ़ा था, आपको बता दूं मैं हेल्थ क्या होती है। हेल्थ आपका रिकॉल के अंदर पहला ही पॉइंट दिया गया है, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। हेल्थ क्या होती है बेटा, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। क्या होती है हेल्थ हमारी, हेल्थ इज डिफाइंड एज द, तो पहले क्वेश्चन आंसर क्या होगा बेटा डिफाइन द टर्म हेल्थ का, पहला क्वेश्चन था आपका डिफाइन द टर्म हेल्थ एंड हाउ कैन ए पर्सन रिमेन हेल्दी। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। यानी हेल्थ कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरफ से क्या होता है, हेल्दी होता है, उस टाइम पे क्या होती है बेटा हमारी हेल्थ होती है। क्लियर ना? उसके बाद क्या है, हाउ कैन ए पर्सन रिमेन हेल्दी, एक पर्सन हेल्दी कैसे रह सकता है। ए पर्सन कैन रिमेन हेल्दी, ए पर्सन कैन रिमेन हेल्दी बाय द बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन बेटा बैलेंस्ड डाइट लेता है और एक्सरसाइज कैसे करता है, यानी क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ कैन ए पर्सन रिमेन हेल्दी, एक पर्सन हेल्दी कैसे रहता है। तो उसका आंसर क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट के अंदर ये रहा, टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट। यानी हमें हेल्दी रहने के लिए क्या खानी चाहिए बेटा, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट। एक सेकेंड बेटा, तो क्या है बेटा इसके अंदर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये दोनों लाइन है बेटा। क्लियर ना?
दूसरे पार्ट का आंसर क्या था हमारा, टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट। तो ये आंसर किसका बेटा, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, पहली दोनों लाइनें। क्लियर बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, यानी बेटा हमें हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, यानी हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरत होती है बेटा न्यूट्रिएंट्स की। दोबारा ध्यान दे बेटा, कुछ छोटा आंसर है, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, तो आंसर क्या डालोगे, यहां से आंसर स्टार्ट हो जाएगा आपका, यहां से आंसर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी। तो ये आप क्या ऐड कर दोगे, टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, कहां से कहां तक, यहां से लेकर ये सेकंड क्वेश्चन, वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट टू रिमेन आवर बॉडी हेल्दी, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आसान आसान बेटा, मेंशन द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो राइट टू सोर्सेज ऑफ ईच, हमें बेटा न्यूट्रिएंट्स का रोल मेंशन करना है और प्रत्येक के दो सोर्स बताने बेटा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे बेटा, मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर के अंदर ही बताए थे मैंने, न्यूट्रिएंट्स क्या थे बेटा हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करते हैं, दे गिव एनर्जी, एग्जांपल क्या दोगे बेटा, पोटैटो और राइस, क्योंकि हमें हर न्यूट्रिएंट्स के रोल बताने बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का रोल सेम होता है बेटा, दे प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फैट भी एनर्जी। तो आप पहले क्या डालोगे, कार्बोहाइड्रेट क्या लिखोगे, दे प्रोवाइड एनर्जी, एग्जाम्पल में बेटा पोटैटो और राइस, दो एग्जाम्पल बेटा बस। फैट दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बेटा, ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, एग्जाम्पल में क्या डाल दोगे, मिल्क और क्या डाल दोगे, क्रीम, मिल्क और क्रीम बेटा। अगला प्रोटीन, प्रोटीन किस काम में आते बेटा, दे आर यूज फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, दे आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या दोगे बेटा, एग, अंडा, फिश, मछली, मिल्क, दूध, कोई भी दो एग्जाम्पल। फिर लास्ट वन क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, डिजीज से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और मिनरल किस काम में आते हैं, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, मिनरल किस काम में आते बेटा, ये रहा मिनरल का पॉइंट सारा आपको करा रखा मैंने, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ बोन्स एंड ब्लड। क्लियर, तो विटामिन के एग्जांपल क्या दोगे बेटा, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट या फिश, दो एग्जांपल डाल देना बेटा, एक फ्रूट और एक फिश, बिल्कुल आसान है। मिनरल के एग्जांपल क्या डालोगे, मिल्क और फ्रेश फ्रूट, जो हमारे ताजा फल होते हैं और मिल्क है, ये एग्जांपल किसके बेटा, मिनरल के। तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट होते हैं बेटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं, मैंने आपको कराया था बेटा, ये रहे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली, ये तीन बेनिफिट बताए थे बेटा, ठीक है ना। पहला क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल एंड बोन्स, दूसरा क्या था, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरा क्या बेटा, टोनिंग ऑफ बॉडी मसल्स एंड मेंटेन द बॉडी इन ए गुड शेप। तो आपको ना दो ही पॉइंट लिखने हैं, पहले दो पॉइंट काफ़ी हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, दो ही काफ़ी हैं। एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं बेटा, आप क्या लिखोगे, द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली आर, दो पॉइंट लिखने हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये आपके चैप्टर में, तीसरे की कोई नीड नहीं बेटा। पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर
ब्लड की सर्कुलेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट वेव्स इन विच वी कैन मेंटेन हाइज, वो लिस्ट कौन कौन सी बेटा जिसके द्वारा हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, लिस्ट ऑफ वेव्स थ्रू विच वी मेंटेन द हाइजीन। तो क्या है बेटा, ये रही आपकी द वेव्स टू मेंटेन द हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करने की वेव बेटा। पहली क्या बेटा, यहां तक वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। पहली वेव क्या बेटा, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो विद सोप एंड वाटर, यानी साबुन और पानी के साथ। यहीं तक लिखना बेटा, पहले पॉइंट में यहीं तक, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, यहीं तक बस। दूसरे पॉइंट बेटा, इन सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, टेक ए बाथ डेली, टेक ए बाथ डेली, आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए, टेक ए बाथ डेली, आपको डेली नहाना चाहिए। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट, ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, यहाँ तक नहीं लिखना बेटा, यहीं तक बस, यानी आपको अपने दांतों को दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए बेटा। अगला पॉइंट, ट्रिम योर नेल्स, अपने नेल्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, कट, ट्रिम योर नेल्स, ये इतना बेटा उसके, आप ट्रिम योर नेल्स, अपने नेल्स को काटना चाहिए, या आप यहाँ तक भी लिखते हो रेगुलरली, ये तो काफ़ी बेटा, चार पॉइंट मोर देन एनफ, आपको चार ही पॉइंट लिखने इसके अंदर, ठीक है। ये था बेटा आपके 5th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Why do we need rest? हमें आराम की जरूरत क्यों होती है बेटा? Why do we need rest? हमने पढ़ा था रेस्ट के बारे में बेटा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका क्वेश्चन था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है बेटा हमारे पास, We need proper rest to restore our vigor and energy। यही तो करना बेटा बस। दोबारा ध्यान दे ले, वी नीड प्रॉपर रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है बेटा, टू रिस्टोर आवर विगर एंड एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, या टू रिस्टोर आवर एनर्जी। आप इसको भी छोड़ सकते हो, कोई नीड नहीं है आप उसको लिखने की, आप इतना लिखो, वी नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिस्टोर आवर एनर्जी, वी नीड प्रॉपर रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है बेटा, टू रिस्टोर आवर एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। क्लियर बेटा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, व्हाट इज ए डिजीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर अक्रेंस ऑफ डिजीज। डिजीज होती क्या है बेटा, और डिजीज होने के कारण क्या क्या होते हैं, क्लियर ना, अक्रेंस ऑफ डिजीज। चलिए मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में। ये रहा बेटा हमारा इसके अंदर डिजीज के अंदर, यहां से स्टार्ट होगा। ए डिजीज कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ एन एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां तक बेटा क्लियर ना, यानी ये हमारा आंसर नंबर किस क्वेश्चन का है, 7th का, कि एक डिजीज वो बीमारी बेटा जो एबनॉर्मल फंक्शन होता है किसका, ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट का एबनॉर्मल फंक्शन होता है, क्लियर ना, उसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, इसको आप छोड़ देना। उसके बाद देर आर डिफरेंट रीजन फॉर अक्रेंस ऑफ डिजीज, कौन कौन से बेटा, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट या इंपेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट। यहां तक करना आपको, यानी कारण क्या क्या होते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, और दूसरा क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, ये कारण है बेटा डिजीज के। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपके का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेम सम ऑफ देम। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बेटा, उनके नाम बताने हैं। चलिए ये रहा हमारा, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज, और एग्जाम्पल क्या है, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, क्लोरा एटसेट्रा। यहाँ तक करना बेटा, ये आंसर नंबर क्या है,
8, आठवें क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यानी द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल, और उसके एग्जांपल क्या बेटा, मलेरिया, डेंगू, प्लेग और हैजा वगैरह, कलरा एटसेट्रा, क्लियर। तो ये है आपका यहाँ तक एटसेट्रा तक आंसर नंबर 8। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कम्युनिकेबल डिजीज एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलती है बेटा, इसका भी आंसर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे कहां स्टार्ट होगा बेटा, यहां से स्टार्ट होगा आपका आंसर नंबर 9, कहां से स्टार्ट होगा, दीज डिजीज आर सेपरेट बाय जर्म्स, क्लियर ना, ये डिजीज कैसे फैलती हैं, जर्म्स के द्वारा, या दीज जर्म्स कैन बी सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट बाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बेटा यहां तक आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। दोबारा ध्यान दे ले बेटा, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो दीज डिजीज आर सेपरेट बाई जर्म्स, किससे फैलती है बेटा, ये जर्म्स से फैलती हैं, एंड दीज जर्म्स कैन बी सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट बाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इस प्रकार से फैलती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बेटा, वट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, चलिए इसका आंसर भी आपका ये रहा यहाँ तक बेटा, ये इसके एग्जाम्पल रहे यहाँ तक, ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 10, दसवां, द डिजीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसे डिजीज जो एक आदमी से दूसरे में नहीं फैलती, क्या कहलाती है हमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एग्जाम्पल क्या बेटा, एनेमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेटस, बेरी बेरी, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। आपकी एक्सरसाइज की जो बचे हुए पार्ट है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय बेटा।